दोस्तों आजकल सबके पास हाथों में मोबाइल आ गया है, तो मोबाइल से यूट्यूब चैनल चलाना बहुत ही इजी हो चुका है। लेकिन कभी कभी लोगों को टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि मोबाइल में भी हम क्रोम ब्राउज़र में किस तरह से कंप्यूटर की जैसी वेबसाइट खोल सकते हैं। तो उसके लिए ये आज का एपिसोड है कि आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने मोबाइल के अंदर ही कंप्यूटर की साइट खोल सकते हैं। दोस्तों पहले तो आपको क्रोम ब्राउज़र में जाके अपनी यूट्यूब ओपन कर लेना, उसके बाद में स्क्रीन शेयर करके आपको कोई भी वेबसाइट को आपको किस तरह से कंप्यूटर की साइट में जैसे ओपन होता है उसी तरह से आपके ब्राउज़र में ओपन होगा वो दिखाने वाला हूँ। तो टेकी अज्जू में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद हम एपिसोड को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों तो एक तो आपको ये बेनिफिट्स हो जाता है कि आप जो कंप्यूटर में एक्सेस कर रहे हैं वो आप मोबाइल में भी एक्सेस कर पाते हैं। दूसरा, अगर के आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो आप कोई फीचर जो है मोबाइल साइट्स में आपको नहीं मिलता है, एप्लीकेशन में नहीं मिलता है, जैसे क्रिएटर स्टूडियो के बहुत सारे फीचर्स उसमें नहीं मिलते, तो वो अगर आपको एक्सेप्ट करने हैं तो उसके लिए आपको मोबाइल जैसी साइट नहीं कंप्यूटर की साइट होनी चाहिए। तो उसके लिए हम उस साइट को हम अगर मोबाइल में खोलना है तो किस तरह से करेंगे तो खुल जाएगी, तो वो अब हम स्क्रीन शेयर के द्वारा देखते हैं। तो चलिए अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। तो दोस्तों जैसे हमने बात की, वैसे आप पहले YouTube अपने क्रोम ब्राउजर में खोल लीजिए, ठीक है। अब आपको दो ऑप्शन मिलेंगे कि आप कहाँ से कर सकते हैं इसको डेस्कटॉप जैसा। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं ये है मोबाइल साइट की तरह, तो यहाँ पे नीचे YouTube की लाइन में ही जहाँ होम दिख रहा है, यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास आपको जहाँ दिख रहा है वहीं पे एक है 3 डॉट्स, वहां क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको सेटिंग, प्राइवेसी एंड टर्म्स, फीडबैक, हेल्प, डेस्कटॉप। अगर मैं इस डेस्कटॉप को क्लिक कर दूंगा तो अब हर बार जब भी मेरी ओपन होगी YouTube वो एज अ डेस्कटॉप मोड में ही ओपन होगी। अभी हम कैंसिल कर देते हैं तो आप ये करके भी ट्राई कर लेना। और एक होता है ब्राउजर की सेटिंग, अगर ब्राउजर की सेटिंग मुझे चेंज करनी है कि अब हर साइट मुझे क्या बोलते हैं कि मुझे कंप्यूटर की साइट की तरह खोलनी है, तो उस ब्राउजर में मैं यहाँ पे 3 डॉट जो ऊपर दिख रहे हैं जहाँ पे URL लिखी है, 1 लिखा है उसके बाजू में, तो वहां पे नीचे जैसे आप जाएंगे स्क्रॉल डाउन करके डेस्कटॉप साइट है, उसको अगर मैं ऑन कर दूंगा अभी तो जितनी भी साइट्स हैं, अब जो भी साइट मैं खोलूंगा वो मोबाइल में अगर सपोर्टेड है मोबाइल साइट तो वो मोबाइल सपोर्टेड ना होकर डेस्कटॉप सपोर्टेड साइट की तरह खुलेंगे। अब देखिए यहाँ पे URL चेंज होके हो गया है app=desktop, मतलब अब हर साइट डेस्कटॉप की तरह खुलेगी। तो अब ये डेस्कटॉप की तरह खुलेगी तो आपको फायदा क्या है कि आप क्रिएटर स्टूडियो एक्सेस कर सकते हैं, अलग अलग ऑप्शन जो थंबनेल वगैरह जो आप अपने कंप्यूटर में जैसे चेंज करते हैं वो सब कर सकते हैं। देखिए अब रिकमेंडेशन आ गया यहाँ पे, सब अलग अलग ऑप्शन मेरे को यहाँ पे अब दिख रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम हमारी सेटिंग दोस्तों चेंज कर सकते हैं। अब फिर से मुझे अगर इसको मोबाइल साइट करना है तो फिर से 3 डॉट पे क्लिक करूंगा और ये डेस्कटॉप साइट हटा दूंगा तो फिर से वो मोबाइल साइट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ध्यान देना, अगर आप ये 3 डॉट से आप डेस्कटॉप कर देंगे तो फिर सिर्फ यूट्यूब ही है वही डेस्कटॉप की तरह खुलेगा, बाकी साइट्स नहीं खुलेंगी। तो अगर यूट्यूब को हमेशा के लिए डेस्कटॉप की तरह खोलना है तो यहाँ से डेस्कटॉप कर दीजिए, तो यूट्यूब जब भी आप क्रोम ब्राउजर में खोलेंगे उस ब्राउजर में तो वो आपका कुकी में स्टोर करके रखेगा और आपकी साइट को डेस्कटॉप मोड में ही खोलेगा। और अगर इस मोड को हटाना है तो आप ब्राउजर की हिस्ट्री को सब डेटा क्लियर कर दोगे तो फिर से आपका नॉर्मल मोड में मोबाइल साइट के मोड में खुलने लगेगा। तो दोस्तों बस ये आपके साथ थोड़ा टेक्नोलॉजी शेयर करना था, है बहुत इजी लेकिन लोगों को पता नहीं होता किस तरह से एक्सेस करना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन नीचे कमेंट करिए। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में, तब तक के लिए लेते हैं एक नन्ना सा ब्रेक।